वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल। सो हम अभी बहुत जल्दी में है बिकॉज हम किसी की शादी में आए हैं, मतलब हिमाचली वेडिंग। यस, ये रही मेरे घर वाले। ये देखो आंटी को दिखा देते हैं पहले हम। आ जाओ सारे, आ जाओ आंटी। ये मेरी मम्मी है। हाय, जानते हो आप मुझे? हर वीडियो में है। ये मेरी मामी है और ये मामी की बेटी है और ये रीजा, जो कभी नहीं दिखती पर आज भी शर्माएगी। अंकल जी गाड़ी में, पर वो दिख नहीं रहे। साइड हो, वीडियो ही खराब कर दी। अरे कुछ खराब नहीं इधर। तो अभी हम जा रहे हैं अंदर क्योंकि हम काफी लेट हो चुके हैं और नीचे से हमें बहुत बार फोन आ चुका है कि जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। हमने तैयार होने में इतना टाइम लगा दिया सना ने। जबरदस्ती नहीं, नहीं लगाया, मजाक। वो इन लोग मतलब आंटी वगैरह को लेट हो गए। हम यहाँ पर बैठ कर दिखा दे। आज तो मेहंदी देख रहे थे, इसकी फोटो खींच रहे थे हजार करोड़। आज तो मेहंदी है तो आज हम आपको मेहंदी का दिखाएंगे, उसके बाद शादी है तो कल शादी दिखाएंगे। बट दिस इज गोइंग टू बी वन व्लॉग, सो एंजॉय। यहाँ से नीचे जा रहे हैं। चप्पल उतार दी क्योंकि चला नहीं जा रहा। पहनते क्यों, मेरी तरह बन के आया करो। सना उतारी क्यों है तो बता दे। अबे तो नीचे ढलान है ना। हाँ तो लड़कियां चलती नहीं है। प्रैक्टिस करा कर, प्रैक्टिस घर पे समझ आई। मेरे को मार रही है। अबे चल ना शादी है, जाओ। यहाँ पे शादी है, यहाँ पे शादी है। चल हल्दी है, मेहंदी, चल चल। यहाँ पे नॉन वेज बन रहा है और ये मेरे नाना है। और ये खाना बनाने का तरीका देखो कैसे है। जमीन को खोद के उसमें लकड़ी डाल के और चूल्हे का रूप दिया गया है, उसमें खाना बन रहा है। ये हिमाचली स्टाइल है। ये देखो हिमाचली स्टाइल है भाई। सब कोई कपड़े काट पूरे टाइम धुआ। ये भी दिखा मटका, ये वाला ये भी दिखा, ये देखो देखो देखो। ये देखो भाई वाह, ये क्या है? मीठे चावल। मीठे चावल है तो कपड़े काटे मीठे चावल। और पीछे उसमें उसको देखो, वो गोश्त है। गोश्त क्या बोलते हैं? बल्टोई वाला गोश्त। ये बल्टोई बोलते हैं इसको यहाँ पे। बल्टोई ये बिल्कुल अलग स्टाइल की होती है और ये आपको देखने को कहीं और नहीं। वो बोटी साहब बैठे हुए हैं। वो हाजा मोहम्मद, इनको बोलते हैं बोटी। ये ना रीजा बदतमीज़, इसने मेरे मुंह पे चढ़ा दिया। हाय बिचारी, हाय बिचारी। रीजा एक बार बोल दे हाय बिचारी। चप्पल पहन, रीजा पहनाइयो चप्पल एक बार। हाय बिचारी चप्पल, रीजा पहनाइयो। हाय बहनों का प्यार झुका जा रहा, पहना दे। देख रहे हो, देख रहे हो, ये है। वो कभी रान सकती है। मैं कह रही हूँ बहनों का प्यार। घर का है, घर जो है बहुत बढ़िया घर है, बीच जंगल के अंदर। आप बोलो। और एक तरह से ये जो है यहाँ पे हमें बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है क्योंकि हम लोग दिल्ली से आए हैं तो हम लोग जब देखते हैं कि आसपास इस तरह के घर हम वहाँ पे कहीं नजर नहीं आते, लेकिन अब यहाँ पे आके देखेंगे तो ये एक तरह से बिल्कुल अलग तरह का फीलिंग है। तो आप सब लोग भी देखिए और एंजॉय कीजिए। जंगलों वाला घर। और रात में यहाँ पे शेर भी आते हैं और इसलिए इनके घर वालों ने यहाँ पे एक देसी कुत्ता भी पाला हुआ है क्योंकि रात को अगर कोई शेर वगैरह आए तो इसको घूमता है, लोग चौकने रहते हैं। यहाँ पे कई बार आस पड़ास के इलाके में शेर देखे भी गए हैं क्योंकि यहाँ बिल्कुल जो है पहाड़ी का इलाका है सारा और पहाड़ के ऊपर से घरों के अंदर शेर भी आए। रीजा रीजा रीजा, हाय बेचारा अकेला भौंक रहा है। चलो हम भी भौंके। बहू 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 आ गया। शांति ओम शांति शांति ओम। मम्मी कहाँ है मेरी? आंटी हाउस टूर करा रही है अंकल को। हाय शर्मिंदी,
हाँ तो हम वेज ही खाएंगे ना। गेस इंटेलिजेंट ने मेरी चप्पल पहनी है और तू भी क्योंकि मैंने इसके पहने मेरे पे। और क्या देखो पीले वॉट कर लिए इसने खा के टावल साफ करा। चल बिफोर एंड आफ्टर देख लो अब। Like just look at her. Look at this beautiful girl. Haso. मैंने लगाई है। लगवाना। ची। मेरी अच्छी लग रही तेरे से। नहीं मेरी अच्छी लग रही है। Clouds. ये नाना है। नाना ने ऊपर कोट पहना और नीचे पहना क्या पहना है लोअर और नीचे जूते पुराने जूते। ये लुक है आज का। शादी में जाना है गाइस वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल अगेन। आई एम दिशा। अबे यार सेकंड पार्ट है वीडियो का। अच्छा तो आज जैसे कल मेहंदी थी तो आज फाइनली शादी है। हम शादी में आए हैं एंड काफी ज्यादा अच्छी लोकेशन है पहाड़ों की वादियों के बीच में तो हमें काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि दिल्ली में तो दिस इज द लोकेशन। तो अभी इसमें हम थोड़ा शादी का पार्टी लगे खाने वाने का और एज दिस इज अ मुस्लिम वेडिंग तो हम थोड़ा कबूल है वगैरह वाला दिखाएंगे। मतलब कबूल है वाला पार्ट होने वाला है। सना ने भी कभी नहीं देखा और मैंने भी कभी नहीं देखा तो इट विल बी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे न्यू फॉर अस। और सो आप पूरा व्लॉग देखें बिकॉज वी होप इट्स गोना बी गुड बिकॉज हमारा पहले वाला शादी वाला व्लॉग भी आई थिंक अच्छा था। हाँ हमारे सबसे अच्छा था। और पहली सेकंड थिंग ये है कि सना भी वहाँ पे खड़ी होने वाली है जहाँ पे वो सालिया खड़ी होती है तो वो वाली क्लिप भी हम जरूर दिखाएंगे और सना का रिएक्शन भी दिखाएंगे। होप सो क्या रिएक्ट करती करेगी नहीं वैसे ज्यादा बनती है क्योंकि और मैंने वही कपड़े पहने क्योंकि यार क्या करें। और ये जो वेडिंग है वो सना के बहुत ही क्लोज वेडिंग है तो इसलिए सना आगे खड़ी होगी और इसलिए ज़्यादा बन रही है आज। कोई भी नहीं बन रही बन रही है इन द सेंस कि ज़्यादा अच्छी बन रही है वो वाला बनना नहीं कि ओ माय गॉड वो वाला नहीं वो वाला बनना बस ठीक है। ओके गाइस बाय वादिया देख लो प्लीज प्लीज है चले इसलिए अच्छी आ रही है बैग से। आंटी अच्छी लग रहे हैं अंकल भी अच्छा लग रहा है। अंकल ने मेकअप नहीं करा ना आंटी ने मेकअप करा। मेकअप सना ने किया है देखो। दिस इज सना शर्मा जी। अब हम खा रहे हैं पनीर टिक्का। मुझसे भी पूछ लिया कर कभी क्या खा रही है। मैं भी पनीर टिक्का ही खा रही हूँ तो कोई फ़ायदा तो है नहीं पूछने का। तो अभी देखो अभी हम आपको दिखाते हैं कि क्या है एग्जैक्टली क्या है। हम मैंने इसका पनीर टिक्का भी खा लिया। अरे आप मेरा पनीर टिक्को हुई ये है यहाँ पे ऐसे है। और रात आ गई है और सना खड़ी हुई थी बारात के वहाँ पर तो मैंने ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। दियो हर्ड जी कॉफ़ी सना वीडियो बन रही है वीडियो में बिल्कुल बच्चे की कॉफ़ी छीन ली। किसकी कॉफ़ी छीनी है बच्चे की। शर्म नहीं आती पी भी ली बदतमीज़ बताओ मेरे को। चल हमारे लिए भी लिया। मैं तीन बार कॉफी ला चुका लगातार। हाय फनी चीज अभी मुझे पता चली मतलब पहले से बताती बट मैं भूल गई थी। सना दिखा दे इसने पता है इसको प्रॉब्लम ना हो कि कल ये चल नहीं पा रही थी तो उसने क्या पहना लहंगे के नीचे दिखाओ अपनी नानी की चप्पल पहन ली। कोई बात नहीं क्या खाना नानी चाट ले जा रहा लेकर आ नहीं मेरा चाट ले चाट ले सना क्यों दे रही है मम्मी को रोज क्योंकि मम्मी अच्छी लग रही है। थैंक यू। इश्क ही दिसदा जेड़े इश्क च चले। I feel like I was a child till morning and now I've grown up suddenly. My wife. The peer of it all, the art of it all. Kapoor. 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 Kapoor.
हमें मिला है क्योंकि निकाह पूरा हो चुका है तो उसके बाद उसकी खुशी के में हमें मिले हैं पैकेट छोटे छोटे। जब निकाह हो जाता है वैसे मिलते हैं खाने का। हाँ तो अभी हम ये खा रहे हैं। चल बस फोटोग्राफर बनी हुई है सन अपने मतलब की फोटो। समझ नहीं आ रहा था कि why did they choose this location क्योंकि इतना मतलब इतना दूर आके क्यों लिया but now I know exactly। तीसरी कॉफी मैं कास कॉफी बहुत जरूरी है। ये लाया हमारे बच्चा जा हमारे लिए कॉफी लेकर आया। थैंक यू बेटा। थैंक यू दिल टूटा अरे दिल टूटा। तो मैं कह रही थी कि I exactly know why they chose this location so I'm gonna reveal the location to you guys और आप देखो देखो guys मतलब बहुत अच्छी लोकेशन है ये। यस गाइस सो अभी निकाह हो गया है एंड हमने वो खा ली है अभी हम कॉफ़ी पियेंगे उसके बाद अभी खाना होगा दिन विदाई होगी दिन की शादी थी फिर हम घर जाएंगे। लेट्स सी तब तक क्या होता है। हाय ये दूर दूर खाना खा रहे हैं और इस लड़की को इनको देख के सुकून मिल रहा है पेट में दर्द ठीक हो रहा है। पेट में दर्द क्यों है तेरे को पता है ना क्यों? कॉफी। हेलो कॉफी मत पीना शादी में जाके ज़्यादा अगर अच्छी लगे तो पी। चार चार पाँच पाँच ग्लास कोई नहीं पीता। इसने भी पिया इसके तो नहीं हो रहा। आई एम इम्यून। अच्छा मेरे घर वालों ने मेरे को इम्यूनिटी दी कॉफी पी से बचने की।
वॉज वेरी इमोशनल मोमेंट और सना भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई है. पलके उतार रहे बहुत ज़्यादा. हाय बेचारी कितनी गंदी लग रही हूँ गंजी. पलके उतार के बेचारी कितनी इमोशनल लगी दिखा दे. ओह माय गॉड. तो इस ये इतनी इमोशनल हो चुकी है कि मतलब ये अपने मेकअप के बारे में भी परवाह नहीं कर रही है इस टाइम. इसलिए इसने आशीष भी हचा दिए हैं. थक गई हूँ मैं. मेरे को एक वर्ड आ रहा है बहुत बोलने का मन कर रहा है बट नो. यस फैमिली वीडियो तुझे बताऊंगी ना. अच्छा भाई पेट में दर्द हो रहा है. बाय. ओके गाइस थैंक यू वॉचिंग द वीडियो. बाय बाय. कर दे बंदा.